ये जाएगा, ये तो डबल साइज से भी ज़्यादा, आपका डबल से भी ज़्यादा साइज है इसका तो। सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है। हाँ भाई, ये वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। हाँ जी, आपकी बन जाती है। हाँ, क्या कह रहे हो? 228 ये लेके जाना है। ये तो डबल है, ये तो डबल है, दो बाइकों के सभी ज्यादा का सामान है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब और मैं मौज मस्ती में। भाई पहला ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है घर से ही, और 268 रुपये का है। पहले टाइमर आ रहा था कुछ ऑर्डर पे, मैं निकला ही नहीं घर से जब तक। मैंने कहा देखूंगा टाइमर कब हटेगा। तो ऑर्डर मेरे पास में टाउनशिप का है, और ऑर्डर है 268 रुपये का टाउनशिप का। हाँ, और संगम बिहार से लेना है, पिकअप पास ही है। बाइक की मीटर की रीडिंग के साथ बात कर लूँ, 12154 किलोमीटर चली हुई है। भाई पहुंच तो गया हूँ कस्टमर की लोकेशन पर। यार पहले भी ऑर्डर उठाया गया मैंने यहाँ से, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, टाउन से फरीदाबाद। बहुत सो ऐसा होता ना, अरे बहुत सो को समझ भी नहीं आता ना, वो बाइक चलाए जाते हैं चला चलो ठीक है भाई, बुक तो उन्होंने किया तो उनकी भी करेक्ट होगी लोकेशन। चलो भाई, ऑर्डर तो मिल चुका है हमें, अब डिस्टेंस इसका देख लेते हैं। ड्रॉप डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर होना चाहिए भाई, 22 किलोमीटर है। ओए होए होए, 22 किलोमीटर नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सीधा चलना पड़ेगा, जंगलों में दिखा रहा है पागल है, ऐसे भागो सीधे सीधे। तो फर्स्ट लोकेशन पर तो हम आ गए हैं, फर्स्ट डिलीवरी की लोकेशन पर। वैसे तो फर्स्ट ही ऑर्डर है, लोकेशन कहाँ, ये तो ख़त्म हो गई। ये क्या हुआ, पहला ही कॉर्नर का लग रहा है मेरे को, ये पहला ही स्टार्ट। हाँ यार, यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, एक बार ऑर्डर दिया था मैंने, याद है मुझे यार। और सब पोट रहा है एस एस एंटरप्राइजेस। भाई कंप्लीट हो गया ये ऑर्डर 5-स्टार रेटिंग के साथ में। और याद आ गया, मैं यहाँ से 300 कुछ का ऑर्डर लेके गया था गुड़गांव। भाई मुझे याद आ गया, यहाँ से एस एस एंटरप्राइजेस से लेके गया था। बाकी अभी देखो छाया में खड़ा हूँ, एकदम आ गया भाई ऑर्डर। संजय कॉलोनी से पिकअप, ये पाली कहाँ, 23 मैं कौन से सेक्टर में हूँ। चलो किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है भाई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से पिकअप करना है। भाई ये आया है गजब का ऑर्डर, तुम देखोगे भाई ये क्या ऑर्डर, 470 रुपये का ऑर्डर। भाई देखो ये देखो, सादरा गंगोत्री बिहार लेके जाना, पिकअप देख लो भाई कितना। ये यही ऑर्डर तो चाहिए मुझे, पिकअप 1.4 किलोमीटर का पिकअप। अबे भाई साहब गजब, पैसा ही पैसा हो गया भाई। जो भी होता है ना, सब अच्छे के लिए ही होता है। जैसे मैंने ऑर्डर डिलीवर करते ही मेरे पास में 114 या 17 जो भी था इतने का ऑर्डर आ रहा था, मैंने नहीं लिया। मैं सोच रहा समझ रहा कि भाई ये क्या है, कहाँ से बज रहा है, नहीं बज रहा है। देखो वो नहीं था किस्मत में मेरी, पर किस्मत में था 470 रुपये का ऑर्डर। भाई ये देखो ऐसे होता है किस्मत, कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ अगर जा रहा है तो कुछ आने के लिए ही जा रहा है ये। भाई मैं तो बस भाई बहुत अंदर से, तुम समझ ही सकते हो मेरी खुशी यार, ऑर्डर छोड़ते ही 470 रुपये का ऑर्डर मिलना, और वो भी पिकअप भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वह कितनी खुशी होती है अंदर से यार। ओहो बस ज़्यादा बड़ा ना हो यार। ये जाएगा, ये तो डबल साइज से भी ज़्यादा आपका, ये फंस गया सी है, डबल से भी ज़्यादा साइज है इसका तो। इसमें तो 4 पोर्टर बनेंगे आपके, 4 पोर्टर उनको भेज के रहते हैं, 1 पोर्टर। वजन कितना है इसका, वजन कितना, एक बार देखो उठा के। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस चार्ज लगेगा फिर आपका। इससे 40 सेंटीमीटर जाता है इतना पोर्टर में, नहीं वो तो आज भी तो फिर तो ले ही जाते हैं उसमें। 470 आ रहा है उसमें, 200 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा आपके, तो डबल से भी ज़्यादा है, 4 गुना है। 20 रुपये की तो बात है, 20 रुपये की तो, चलो कोई नहीं बनवा दो, धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
भाई पार्सल हो चुका है पिकअप, आपने देखा है वो कितना मतलब साइज में ज़्यादा है, वजन उसका 25-30 किलो ही है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, रुक के यार, रुक के क्या दिखाऊँ यार, पीछे बंधा हुआ है यार, फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरा, जब उतरूँगा ना जब भी देख लेना, बांधा हुआ है अच्छे तरीके से। भाई कितना, 470 का ही ऑर्डर था, 650 में बात हो गई है, मैं ठीक है 200 रुपये बोले थे मैंने एक्स्ट्रा, तो 20 रुपये कम किए, 20-30 रुपये, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ले जाते हैं। 46 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। और एक और रूट है 45 किलोमीटर, और ऑर्डर कितने का है, 470 का, 45 किलोमीटर, ठीक है 650 रुपये मिल जाएंगे हमें, और क्या चाहिए भाई। फटाफट चलते हैं और करते हैं इस ऑर्डर को कम्प्लीट। ये रहा भाई, पहुँच गए हम, और भाई साहब देखो ये बांधा हुआ था कितना, अब भाई ये तो मस्त हिल भी नहीं रहा भाई। डिलीवर हो चुका है ऑर्डर 470, और इधर देखो हमने ले लिया 650, 5-स्टार रेटिंग। यहाँ पोर्टर किसी का बज रहा था यार, वो बैठा भाई उधर देख रहा हो, उसका बज रहा है वो खड़ा उधर मेरा, अरे गोदाम दुकान ना सट ना हट, जल्दी से हट फट से, कहाँ का बज रहा था उस भाई का पोर्टर पता नहीं भाई। यहाँ से तो ऑर्डर बजेंगे यार, ये तो बढ़िया है, वो बजना चाहिए 300-400 का यार, मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ गलियों में फंसे ही रह जाऊँगा मैं, निकल ही नहीं पाऊँगा भाई। भाई यहाँ से ऑर्डर ले लिया है मैंने 133 रुपये का, सकरपुर लक्ष्मी नगर की साइड है, इसलिए मैंने ले लिया कि कम से कम जहाँ जिस जंजाल में बैठा हूँ कम से कम इधर से तो निकलूँ। बाकी भाई हो सकता है पिकअप विकअप लोकेशन बिल्कुल ठीक हो, बाकी ये देखते हैं पिकअप कितना है भाई, 1.4 किलोमीटर पिकअप है। पहले थोड़ा सा समझ लूँ किधर से जाना है, मतलब कि मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे पहले यहाँ से राइट लेफ्ट ऐसे होते हुए 1.5, ठीक है भाई 7 मिनट लगेंगे। चल पहुँच गया हूँ लोकेशन पर, और यार एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, किसी भी गली में चला जाऊँ इधर के एरिए की गली इतनी अच्छी हो गई है भाई, एकदम बढ़िया भाई। पहले मैं आया था बहुत पहले, एक एक गली इतनी गंदी थी भाई, यहाँ पर भाई क्या कुछ भी चलाने का मन ही नहीं कर रहा था कि दोबारा इधर आऊँ फिलहाल यार। ओहो ये रहा भाई हैंडक्राफ्ट, मतलब हाथों से कुछ बनाते क्या, ऐसे कुछ लग रहा है, कढ़ाई बुनाई सिलाई विलाई वो होगा शायद, अरे जो भी होगा हमें क्या लेना है यार। बोरा नहीं मत ले ना भाई, छोटा सा ले गया ना, क्या बोला तूने कभी तुम, मैं तो बोल भी नहीं सकता यार, यहाँ पे कहेंगे सब लेके आते, एक ही लाइन होती है इनकी भैया, इससे भी बड़ा जाता ले तो चलो थोड़ा बहुत, मतलब हम कुछ भी नहीं कहते, रख दो और अभी दिखाता हूँ डिस्टेंस इसका, ऐसे सीधा सीधा बांध लिया है बस, ज़्यादा दूर ना हो, ये अंदर अंदर से लेके जा रहा 133, और टाइम लगेगा लगभग 27 मिनट। ओहो, दो रूट दिखा रहा है, एक ये 10 किलोमीटर है और एक 8.5 किलोमीटर से चलते हैं, करते हैं कंप्लीट इसका। ओ भाई साहब इतना सा जीना, पार्सल इससे इतना बड़ा, टेढ़ा करके डाल दो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वो देखिए लो भैया, ठीक है ये लो भाई कंप्लीट करते हैं इसको, 5-स्टार रेटिंग डन भाई। इतना मस्त मौसम हो रहा है ना, हवा इतनी मस्त चल रही है, ठंडी ठंडी, आए हाय गर्मी का तो पता ही नहीं चल रहा आज, ऐसे मौसम में काम करने में मज़ा आता है फुल। बज गया कृष्णा नगर से लक्ष्मी नगर, 76 रुपये का ऑर्डर है। अब मैं कहाँ हूँ, जगतपुरी, लो यार देखी जाएगी जगतपुरी वगतपुरी। ओ तेरी वो बताओ यार, इतनी दूर से पिकअप बजाया, 76 रुपये का ऑर्डर है, पिकअप देखोगे यार इसका, ए यार 3.9 किलोमीटर पिकअप यार, ये भगवान क्या जुलुम है, बताओ यार इतना इतना लंबा पिकअप यार कौन देता है 76 रुपये के ऑर्डर में।
भाई पहुंच तो गया हूँ लोकेशन पर, डिमरी ट्रेडर्स, ये रहा भाई 153 नंबर। अब देख ये ले लिया भाई ऑर्डर, ये टांग लिया यहाँ पर भाई, जहाँ बैठा था ना वहीं ड्रॉप करने जाना मुझे, देख रहे हो। बताओ यार पोर्टर यार कैसे मज़े ले रहा है यार, छोटा सा ऑर्डर बजा के 2.6 किलोमीटर की डिलीवरी है। सर्विस लाइन से कह रहा है कि ऐसे ऐसे जाओ सर्विस लाइन से और पहुँच जाओ। चलो ठीक है 2.6 किलोमीटर 8 मिनट लगेंगे, कंप्लीट कर दूंगा ऑर्डर, ठीक है चलो चलते फटाफट। बस डिलीवर कर दिया ये ऑर्डर, ये देखो 76 रुपये आ गए 5-स्टार रेटिंग के साथ में डन। अरे बड़े ऑर्डर थे यार, छोटे नहीं, मैं गुस्सा आ रहा है मेरे को इस ऑर्डर पे बहुत। हाँ यार 3.5 किलोमीटर का पिकअप गया मैं इस ऑर्डर पे है ना, और फिर 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप। अबे यार ड्रॉप से आते तो पिकअप करा दिया, 750 काम हो गया भाई ये देखो। और अपने 180 रुपये वो अलग हैं एक्स्ट्रा, 4 घंटे में 750। एक ऑर्डर तो 400-500 रुपये का यहाँ से खींच के अगले घंटे के अंदर 1000 रुपये का काम पार हो जाना चाहिए। इस वीक में सोचा था कि कोई इनाम जीतूंगा, मेहनत कर रहा हूँ काम करूंगा, इसी वीक में भाई पहले दिन के तो पॉइंट दे दिए, दूसरे दिन के तो पॉइंट ही नहीं दिए, यहाँ पर 0 पॉइंट। पता नहीं क्या पोर्टर का इशू है, क्या एरर है, मैंने ऑफलाइन करी थी मैं ताकि भाई पता चल जाए। अब देखो कुछ भी, मतलब कि यार कोई पॉइंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, मतलब यार क्या है ये यार, मेरी तो हिम्मत टूट गई यार कि मैं कुछ नहीं जीत पाएंगे इनाम पे नाम, गया भाड़ में गया इनाम पे नाम। अब बस पैसा कमाओ और अपना भाई जो अपनी ट्रिप निकालनी, पहले नैनीताल चलना है, फिर लेह लद्दाख चलना है, ड्रेस लेनी है अपनी बाइक के, मतलब बाइक की क्या होता है उस बाइक की राइडिंग जैकेट, शूज और बहुत सारी चीज़ें घुटनों पर लगाने वाले, ये सब लेना है पैसे कमा के बस। ओए भाई मेरी जान, अब लिया मैंने थोड़ा सा कमाल का ऑर्डर, ए भाई साहब 228 रुपये का तुकलकाबाद। ये देखो पिकअप दिखाता हूँ कितना है, पिकअप दिखा दे भाई साहब, 2.2 किलोमीटर का पिकअप दे दो। हाँ तुगलकाबाद के लिए क्या कह रहे हो, 228 ये लेके जाना है, ये तो डबल है, ये तो डबल है, दो बाइकों के सभी ज्यादा का सामान है। किसने बुक किया, बुक किसने किया, चार्ज लगेगा इस पे 100 रुपये, वो डबल हो गया वैसे तो, डबल बन रहा है पर 100 रुपये तो बनता ही है भाई। पार्सल हो चुका है पिकअप भाई, 100 रुपये एक्स्ट्रा बोले थे इस पे भाई, कस्टमर कह रहे भाई 70 रुपये ही दे सकते हैं, मतलब कि राउंड फिगर 300 देंगे, ले जाना है ले जाओ, नहीं तो कैंसिल कर रहे हैं, ऑटो ऑटो से भेज देंगे। मैं तो चल यार तुकलकाबाद का है ले लेते हैं, चलते हैं सब में 19-20 करते रहो जैसे भी जहाँ लगे डिस्टेंस। बाकी आपको मैं इसका दिखा देता हूँ, तो 19 किलोमीटर है, 36 मिनट लगेंगे, 36 मिनट के अंदर 300 रुपये आ जाएंगे, और क्या ही चाहिए मेरी जान। अभी टाइम हो रहा है 5:10, अभी तक की अगर अर्निंग बताऊं तो 940 रुपये हमारी पोर्टर में हो चुकी है, जिसके अंदर हमने 5 ऑर्डर कंप्लीट करे हैं और टोटल 250 रुपये के समथिंग में एक्स्ट्रा हो गए हमारे, तो लगभग 5 बजे तक हमारी अर्निंग हो गई भाई 1200 रुपये की, 5-5.5 घंटे के अंदर 1200 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी। बाकी मिलते हैं आपसे अब 3-4 घंटे बाद। A few moments later. सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है जी मैम, ये वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे हाँ जी आपकी बन जाती है, हाँ जी ना ना वो ना होता ना, वो कट कर दो, हाँ जी हम डिलीवरी के बनाते हैं, किसकी ये डिलीवरी जो हम काम करते हैं ना, चालू रखेगा फिर हैं, ये चालू रहता है, हाँ ये चालू रहता है इसमें, हाँ ये अलाउड नहीं है इसमें, किसमें ये तो तू हेलमेट में लगा इस पे दिल्ली में भी दुकान निकल, ओके थैंक यू। कह रहा भाई इस पे चालान है GoPro पे, मैंने बोला हम क्या चालान वो पहले डॉक्यूमेंट चेक करें कि भाई इस पे सारे वैलिड है या नहीं है, है वैलिड है देख लो सारी चीज़ें हैं भाई। पोर्टर के अंदर अपने पास में ऑर्डर आया है 500 रुपये का भाई साहब, मोलर बन से मुझको लेकर जाना है ये गुड़गांव भाई। पार्सल तो हो चुका है पिकअप, पार्सल छोटा सा ये बैग में रख लिया है, अब एक बार डिस्टेंस देख लेते हैं, 500 रुपये का ये ऑर्डर, डिस्टेंस भाई साहब इसका 52 किलोमीटर है भाई, और 1 घंटा 24 मिनट लगेगी, 1 घंटा 24 मिनट भाई,
चलो फटाफट चलते हैं यार, बिना किसी देरी के इसको करते हैं कंप्लीट। भाई भाई साहब पहुंच चुका हूं लोकेशन पर, और पहुंचने में मेरी हालत ख़राब हो गई यार। यहां लगाओ बाइक साइड में और दो पार्सल और निकलो यहां से। पेमेंट भेजा उन्होंने, कितना है? 502 रुपये। 502 ये लो भाई, ये ऑर्डर तो हो गया डिलीवर। 502 रुपये लिए कस्टमर से, 100 रुपये इसमें कंपनी कमीशन काट लेगी तो 400 रुपये मिलेंगे मुझे। बाकी भाई 8 बज गए और मेरा घर यहाँ से भाई बहुत दूर है, 1450 की अर्निंग हो गई है पोर्टर में अभी तक, 8 घंटे 10 मिनट के अंदर। बाकी अभी मैं आपको अगर अपना घर दिखाऊँ तो घर यहाँ से कितनी दूर है मेरा, ये घर देखो 45 किलोमीटर होगा, 43 किलोमीटर घर है भाई मेरा भी। जब तक अगर यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं जाने का। A few moments later. भाई IMT मानेसर जाकर ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली मैंने, 500 रुपए के लालच के चक्कर में साला मैं पागल हो गया। 400 रुपए मिले मुझे उस ऑर्डर पे, 52 किलोमीटर गया और भाई वहाँ से 47 किलोमीटर मेरा घर। भाई 47 में भी 50 ही मान के चलो इधर उधर जाने के चक्कर में, भाई कुछ भी नहीं मिला। बस एक रैपिडो में राइड करिए 128 रुपए की, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं सोचा घर जाके यार क्या सूट करूँगा, मेरा मत्था पूरा सर दर्द कर रहा है इसी टेंशन में कि यार सिर्फ ऐसी की तैसी करा लिया IMT का ऑर्डर लेकर। तो भाई मैं रनिंग आपको यहीं बता देता हूँ, आज चलते चलते भाई पोर्टर के अंदर रनिंग हुई है 1450 रुपये, 250 रुपये अपने पास आज एक्स्ट्रा आ गए तो 1700 हो गए, और 128 ही है 1800 कुछ रुपये हो गए। भाई अब मैं नहीं जाना, बंद कर इसे। कंट्रोल कंट्रोल पिटोरनी पिटोरनी, ए बंद कर सब आईडी, ए दिमाग खराब हो रहा है भाई, छोड़ो कहाँ था मैं। और बाइक भाई अभी तक चल चुकी है मेरी 205 भर जाऊंगा, 215 चल जाएगी या 220 मान के चलो, 215-20 किलोमीटर बाइक चल गई। खाया मैंने कुछ नहीं, जो भी है यार जो बात है सच्ची बात बताऊंगा, 20 रुपये खर्च हुए खाने में, तेल लग जाएगा आज मान के चलो 400 रुपये का, तो 1400-1500 रुपये बचेंगे आज तो। वैसे तो मैंने सारा काम रास्ते में ही खत्म कर दिया, बट घर आने के बाद में भाई मैंने देखा मेरी आंखें लाल हो रही हैं क्योंकि मैं कई दिन से सो नहीं पा रहा हूँ सही से, ज्यादा कमाने के चक्कर में और भाई साहब ये वीडियो वगैरह एडिट करने के चक्कर में सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी तो मैं घर आते ही सो गया था। मॉर्निंग में उठ के देखा तो पॉइंट नहीं मिले, मैं फिर परेशान, मतलब कल तो दिए नहीं आज भी नहीं दिए। फिर भाई अब जाके चेक किया है 11 बजे के समथिंग, 10-11 बजे अब इन्होंने जाके मुझे कल के पॉइंट दिए। परसों के पॉइंट का क्या हुआ भाई, कल के तुमने दे दिए, परसों का क्या हुआ भाई? कंपनी तक ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, वैसे तो कंपनी तक पहुंच ही जाते भाई, परसों के जो पॉइंट है उसके बारे में सभी राइडर को कुछ ना कुछ अपडेट दो कि ये पॉइंट आपको कैसे मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इस वीक में क्या आपके साथ होगा, ये सारी चीजें भाई कंपनी को एक नोटिफिकेशन में सभी राइडर को देनी चाहिए, क्योंकि एक दिन के बंदों के सारे पॉइंट खत्म हो गए, मंगलवार के, सोमवार के मिले थे, मंगलवार के सबके खत्म हो गए, आज तीसरा दिन है, मतलब तीसरा दिन था उसके पॉइंट तो मिल गए। बाकी भाई इसके बारे में जल्द से जल्द कंपनी को अपडेट देना चाहिए अपने राइडरों को कि भाई हम भी कंपनी पे ट्रस्ट करके काम कर रहे हैं, तो भाई हमारा भरोसा मत तोड़ो, हमें कम से कम उसके बारे में बता दो कि ये पॉइंट आपको कब मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे या इस वीक में क्या सीन है, ये सारी चीजें कम से कम एक छोटी सी अपडेट नोटिफिकेशन में हमें दे दो ताकि सभी राइडर काम करते रहें। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई राइडर इस वीक में फिर प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि एक एक दिन का सबका नुकसान हो गया। मेरा भी मन नहीं कर रहा, मैंने तो भाई बोल दिया था आज ही कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा काम वाम करने का रिवॉर्ड प्रोग्राम को लेकर, फिर भी मैं अर्निंग को लेकर काम कर रहा हूँ, क्योंकि बंदे जो 4-4, 5-5 किलोमीटर पिकअप जा रहे हैं 80 रुपये के ऑर्डर में, 78 रुपये के ऑर्डर में, तो वो भाई उनके लिए बहुत नुकसान है, वो रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, बाकी वो फिर बाद में अगर तुम उनको पॉइंट ही नहीं मिलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बाकी मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी IMT मानेसर जाकर, 400 रुपये बचे मुझे उस ऑर्डर में, 100 का पेट्रोल लगा 300 बचे, 100 का घर आने में लगा 200, भाई मतलब कुल मिलाकर सब कुछ खत्म ही हो गया। लॉन्ग ऑर्डर जाना बेकार, गलती मत करो बेकार, कोई लालच वालच में मत पड़ो, नुकसान ही होता है बड़े ऑर्डर में। फिर मुझे अब सोच हो रहा है 6 बजे गया ऑर्डर लेकर, वहां पहुंचते पहुंचते घर आने आने में 11 बज गए, क्या फायदा हुआ, पूरा इतना टाइम बर्बाद हो गया।
आगे से नहीं करूंगा ऐसा। कभी कभी हो जाता है बंदा पैसे देख के लालच आ जाता है कि चलो भाई एक घंटे के अंदर अच्छे पैसे आ जाएंगे, पर आगे से नहीं करूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अर्निंग से रिलेटेड अपडेट और कंपनी से रिलेटेड अपडेट जो राइडर के लिए गलत हो रहे उसके लिए मैं आवाज उठाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।